जबलपुर से बरगी विधायक संजय यादव ने मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बरगी विधायक संजय यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, यही नहीं शासन के मंत्रियों की भी बात नहीं सुनी जा रही। और क्या कुछ कहा विधायक ने, आप सुनिए। बिल्कुल निश्चित रूप से इस वाले शिवराज के शासन में मंत्रियों की बहुत दयनीय हालत है, बहुत खराब हालत है, उनकी कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि अराजकता का वातावरण है, अधिकारी राज है। और जैसे कर्नाटक में भगदड़ की स्थिति बनी है, मध्य प्रदेश में भी बन सकती है, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में मंत्रियों ने इतना भ्रष्टाचार किया हुआ है, उनको डर लग रहा कि अगर आज हमने छोड़ दी तो कल ईडी का छापा पड़ जाएगा। तो दबे कुचले हैं लोग, मंत्री लोग, उनको चौन नहीं मिल रही, 75 पैसे शिवराज खा रहा, बाकी ईडी के डर से शांत बैठे हुए हैं। नहीं तो कर्नाटक से बुरी हालत होगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि मंत्रियों की बहुत बुरी स्थिति है, कोई किसी की सुन नहीं रहा। 80% मंत्री जाम नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे गोपाल भार्गव जी हैं, चाहे कोई भी मंत्री हो, इतने भ्रष्ट ने भ्रष्टाचार किया है कि ईडी के डर से भाजपा छोड़ नहीं पा रहा है, फड़फड़ा रहा है, लेकिन ईडी के डर के कारण छोड़ नहीं पा रहा है। हाँ, प्रमाण है कि इनकी चल नहीं रही, विकास कार्य कोई करवा नहीं पा रहे, प्रभारी मंत्री जिले में बैठक नहीं ले रहे, जब कोई सुनता तो बैठक लेते, कोई सुन नहीं रहा है इसलिए बैठक नहीं ले रहे। बैठक क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि कुछ नहीं करो, कुछ कर नहीं पाएंगे, और ये कहते हैं, दबाव भी बनाते हैं, तो इनकी सुन नहीं रहे, कोई चल नहीं रही, वो चल नहीं रही, भाजपा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि ईडी के डर के कारण। सरकार गूंगी बहरी किसी की नहीं सुनेगी, ना वो आदिवासी की सुनेगी, ना कर्मचारियों की सुनेगी, किसी की नहीं सुनने वाली, क्योंकि उनके पास मालूम है उनका खेल खत्म हो चुका है। अब तो जनता सड़कों पे आएगी, पहली बार ऐसा होगा इस चुनाव में कि शायद ही भाजपा के लोग खदेड़े जाएं, पिटेंगे, वोट मांगने किस मुँह से जाएंगे, क्योंकि इन्हें गुमराह किया, भ्रमित करने के लूटने का काम किया है, सभी सभी वर्ग नाराज हैं इनसे।